सपा नेता आजम खान ने एक बार फिर रामपुर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सपा समर्थक महिलाएं आज गांधी समाधि पर इकट्ठी हुई थी, जहां उन्होंने आजम खान पर हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए वापस लेने की मांग की, जिस बीच वहां पुलिस भी पहुंच गई और समर्थक महिलाओं से अनुमति अनुसार धरना प्रदर्शन करने को कहा, जिसके बाद समर्थक महिलाओं से पुलिस अधिकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके तुरंत बाद सभी महिलाएं सपा कार्यालय पहुंची और रामपुर सांसद आजम खान से पुलिस द्वारा अश्लीलता और अशोभनीय व्यवहार की बात कही, जिस पर आजम खान ने मीडिया के समक्ष आकर अपना वक्तव्य रखा और रामपुर प्रशासन पर महिलाओं से बदतमीजी करने का आरोप लगाए। मैं अचानक किसी जरूरी काम से रामपुर आया था, क्योंकि यहाँ एक बार फिर जिला प्रशासन हालात को खराब करने में लगा हुआ है और लगता यह है विधानसभा का चुनाव जिला प्रशासन ने लड़ाना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं जो पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त उनकी मदद की गई थी। आज जिस तरह की बात हुई है गांधी समाधि पर, वो असहनीय है, अशोभनीय है, निंदनीय है, इसलिए कि गांधी समाधि पर दफा 144 लगी हुई नहीं है और गांधी समाधि के परिसर में दफा 144 लग भी नहीं सकती, क्योंकि ये राष्ट्रपिता की समाधि है। जहां 144 हो वहां 5 व्यक्तियों या उनसे ज़्यादा लोगों पर कोई अराजक काम करने की पाबंदी होती है, लेकिन जब शहर में ज़िले में कहीं भी 144 लगी हुई नहीं है तो महिलाओं के साथ पुलिस का अभद्र व्यवहार, अश्लील व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार निंदनीय है। और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि मैं पार्लियामेंट के दूसरे मेंबरान से भी इस सिलसिले में बात करूं, मैं स्पीकर से भी बात करूं।